टीवी शो में महिलाओं पर गलत टिप्पणी करने के मामले में निलंबित भारतीय क्रिकेट हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। दोनों ने मंगलवार को बीसीसीआई सीईओ राहुल जोहरी के सामने अपनी बात रखी। पता चला है इन दोनों खिलाड़ियों ने बीसीसीआई के नवीनतम कारण बताओ नोटिस के जवाब में बिना शर्त माफी मांगने के बाद टेलीफोन के जरिए जोहरी के सामने अपनी बात रखी। बीसीसीआई ने एक अधिकारी के गोपनीयता शर्तों पर कहा। सीईओ ने टेलीफोन के जरिए उनसे बात की, उन्हें संचित बातचीत की, उनके सिर्फ उस पर बात की जिन्होंने उनके कारण बताओ नोटिस के जवाब में लिखा था। वे कल तक प्रशासकों की समिति सीईओ में अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। हालांकि पता चला है कि सीईओ ने उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं किया कि क्या इस तरह से मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनके एजेंटों में दबाव बनाया था। अधिकारी ने कहा कि पूछताछ से संबंधित सवाल करना लोकपाल के अधिकार में आता है। अब अगला चरण तभी होगा जब उच्चतम न्यायालय लोकपाल या तर्थ लोकपाल की नियुक्ति करेगा। इन दोनों खिलाड़ियों ने कॉफी विद करण के कार्यक्रम में कई महिलाओं के साथ संबंध बनाने और इसके बारे में अपने माता पिता के साथ खुलकर बात करने की बात कही थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन दोनों की आलोचना झेलनी पड़ी थी। इसके बाद दोनों को पिछले सप्ताह ही बीसीसीआई ने सीईओ के साथ मिलकर लिए संयुक्त फैसले के तहत सभी खेल प्रारूप तत्काल प्रभावित प्रबंधित कर दिया था। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।